हेलो फ्रेंड, हम इस वीडियो में देख सकते हैं कि सेंट्रल सिल्क बोर्ड जो है आपका एक मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इन्होंने सेंट्रल सिल्क बोर्ड ने आपका साइंटिस्ट बी लेवल 10 के लिए प्री एडवर्टाइजमेंट अभी किया है। ये एडवर्टाइजमेंट में अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ सैंक्शन सीट जो है टोटल 66 है फॉर डिफरेंट कैटेगरी, बट ये अभी कंप्लीट एडवर्टाइज नहीं किया गया है क्योंकि इसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है इस बार से इन्होंने सेंट्रल सिल्क बोर्ड ने चेंज किया है और इसका जो रिक्रूटमेंट होने वाला है वो ऑन द बेसिस और उसमें जो शॉर्ट लिस्टिंग जो होगा कैंडिडेट का ऑन द बेसिस ऑफ ICAR AICF JRF SRF PhD 2022 एग्जामिनेशन बेसिस पे किया जाएगा जो NTA के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है। तो ये एडवर्टाइजमेंट अभी प्री एडवर्टाइजमेंट इसलिए किया गया है कि ये एडवर्टाइजमेंट जो होगा जो जो कैंडिडेट का शॉर्ट लिस्टिंग होगा वो होगा ICAR SRF PhD 2022 एग्जामिनेशन बेसिस पे। उसके बाद जो कैंडिडेट जो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे उसके अकॉर्डिंगली फिर उनका जो फिर से एग्जामिनेशन होगा उसका इंटरव्यू होगा जो, बट प्री जो क्राइटेरिया रखा गया है वो ICAR जो आपका SRF एग्जामिनेशन होता है ICAR के द्वारा उसके बेसिस पे किया जाएगा, उसलिए ये प्री एडवर्टाइजमेंट है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि डिफरेंट जो एग्रीकल्चर लाइट सेक्टर के जो हैं प्री कोकून सेक्टर के लिए वैकेंसी रिलीज किया गया है और ये लेवल 10 क्लास ए ऑफिसर के लिए पोस्ट है। इसका यहाँ आप ये देख सकते हैं यहाँ जो पे मैट्रिक्स है यहाँ पर दिया गया है और टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो डिफरेंट सब्जेक्ट या स्पेशलाइजेशन के लिए आप। अब खासकर आप यहाँ एक चीज़ और देख सकते हैं कि जो इस बार जो है वैकेंसी एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए भी जारी किया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए तो इसमें जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए जो वैकेंसी आया है वो फार्म मशीनरी एंड पावर सब डिसिप्लिन के लिए जारी किया गया है और टोटल नंबर 3 नंबर ऑफ सीट्स आए हैं। तो जो भी कैंडिडेट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के हैं वो आप उनके लिए बहुत अच्छा सुनहरा, मतलब एक बोलिए तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो सेंट्रल सिल्क बोर्ड में भी साइंटिस्ट के पोस्ट पे जा सकते हैं। उनके लिए बहुत, और 3 टोटल नंबर ऑफ 3 सीट्स हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में, 1 जनरल 2 जनरल और 1 ऑफिसर। तो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो खासकर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में से अपना बीटेक एमटेक किया है। और तो मैं उन सभी कैंडिडेट से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप, क्योंकि इसका रिक्रूटमेंट जो है आपका ICAR SRF एग्जामिनेशन के बेसिस पे किया है, तो वो जो भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या करने के लिए सोच रहे हैं वो इस जो ICAR SRF PhD 2022 एग्जामिनेशन होने वाला उसके लिए कम्प्लीटली फोकस वे में आप तैयारी जरूर करें। अगर आपको किसी भी आपको प्रिपरेशन के दौरान किसी भी तरह का इंक्वायरी या किसी तरह का प्रॉब्लम चाहे कि कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती तो आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारे पर्सनल नंबर 8287092948 और ईमेल भी कर सकते हैं pawan.btag@gmail.com एंड हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके आप इसको कमेंट इस कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी कर सकते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे डिसिप्लिन जैसे हैं उनमें बहुत सारे सीट आए हैं, जैसे आपके यहाँ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स हो गया, एग्रीकल्चर स्टेटिस्टिक्स, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, तो वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि मैं अगर आपको अगर होता है तो मैं जो हमारे कंसर्न जो हमारे फ्रेंड्स हैं इन सभी सब्जेक्ट्स के उनसे मैं आपको कंसल्ट करवा के आपका प्रिपरेशन में और भी मतलब कि इम्प्रूवमेंट करवा सकता हूँ। तो आप उसके लिए भी मैंने जो आपका अपना जो कॉन्टैक्ट नंबर बताया उस पर आप कॉल कर सकते हैं। तो खासकर स्पेशली जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं और फार्मेसी फार्मर तो वो हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं कि जो ये अभी प्री एडवर्टाइजमेंट इसलिए किया गया है क्योंकि इसका जो आपका रिक्रूटमेंट जो होने वाला है ऑन द बेसिस ऑफ ICAR SRF 2022 एग्जामिनेशन उसमें जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे उसके बेसिस पे आपका जो सेंट्रल सिल्क वो शॉर्ट लिस्ट करेगा, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन चाहे इंटरव्यू हो कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके लिए जो कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट जो है आपका वो आपका 8 सितंबर 2022 में किया जाएगा।
तो आप उस तो आप जो भी कैंडिडेट इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे इस पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो आप लगातार हमेशा जो है सेंट्रल सिल्क बोर्ड के वेबसाइट पर जाके कौन हमेशा लिंक बनाए रखें, और उस पर इंफॉर्मेशन आप जॉब अपॉर्चुनिटी सेक्शन में जाके आप अपडेट्स देखते रहें, ताकि इसका आपका अपडेट मिलता रहे। तो जो भी, तो मैं लास्ट में ही कहना चाहूँ कि जो भी कैंडिडेट्स इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो अभी से ही अभी ICER के NTA की वेबसाइट पे जाके आप पहले ICER SR 2022 का फॉर्म भर दें, और उसके अकॉर्डिंगली ही इसका मतलब शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। तो आप अभी से ही प्रिपरेशन में लग जाएं, और किसी भी तरह क्वेरी हो तो मैंने ऑलरेडी एड्रेस बताया है, तो आप कॉल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। थैंक यू।